हमें आलू पराठा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने आधा किलो आटा ले लिया और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून अजवाइन। तो ये आप देख सकते हैं 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा इस तरीके से क्रश करके डालें, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है। तो ये मैंने ऐड कर दिया और इसके अंदर 2 टेबल स्पून के अंदाज़े ऑयल डालेंगे। ये बस इतना काफ़ी रहेगा। अब हम इसे भून लेंगे, इन सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स अच्छे से। नमक और अजवाइन और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरीके से हम पराठे के भी आटे गूंद लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आटा गूंद चुका है। जिस तरीके से हम रोटी के लिए बनाते हैं सिंपल, वही स्टेप फॉलो करने हैं। अभी हमारा पराठा, आलू पराठा का दो तैयार है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने 250 ग्राम आलू ले लिया, इसे मैंने धोकर कुकर में डालकर मैंने 2 सीटी ले लिया और ये बॉईल हो चुका और इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। मसाले में ये मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, ये थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता ले लिया और ये मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया। अभी गर्मी का मौसम है तो ये पुदीना हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है और ये बहुत ही ठंडा होता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने 4 हरी मिर्च ले लिया, हमें तीखा ज़्यादा पसंद है इसलिए हमने ज़्यादा हरी मिर्च लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम सभी को इसके अंदर कर देंगे ऐड। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। आप ध्यान रखें कि आपने आटा में भी नमक डाला है तो आप उसी हिसाब से कम डालें। ये मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से इसे मिला लेंगे सभी चीज़ों को। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है पराठा बेलने में, वो बेलते हैं और फट जाते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल अलग और नए तरीके से पराठा बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पेड़ा ले लिया और इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना बड़ा इसके अंदर पेड़ा यूज़ करेंगे। मैं नॉर्मली जितना बड़ा रोटी बनाती उसी साइज़ का ले रही हूँ और इसे आटा में लपेट लेंगे इस तरीके से और इसे हम बेल लेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरीके से बेल लेंगे। बेल लिया। अब इसके अंदर हम अपना आलू का स्टफिंग ऐड करेंगे। आपको जितना डालना हो आप अपने मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तरीका आप मेरे जैसा रखें। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ऐसे बनाएंगे, आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। और कई बार हम आलू के पराठे खाते हैं तो उसमें आलू का पता ही नहीं होता। अब इस तरीके से बनाएंगे तो आलू लगेगा कि हाँ आलू का पराठा खा रहे हैं। तो इस तरीके से फैला लेंगे, हाफ में फैलाएंगे और हाफ को ऐसे छोड़ देंगे और इस तरीके से पलट लेंगे और इसे अच्छी तरीके से प्रेस करके दोनों साइडों से दबा लेंगे।
ये देख सकते हैं इस तरीके से दबा लें। चलिए अब हम इसे तवे पर डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये तवा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ये आलू के पराठे जो हमने बेल लिए वो इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पलट लिया। अब मैं इसके अंदर इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी और इसे अच्छी तरीके से पका लूँगी। आप चाहे तो इसे बटर में बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे घी में बना सकते हैं, बट मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से चारों तरफ से हम इसे सेक लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा आलू पराठा बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक चुका है। अब हम इसे डिसआउट कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया, देख सकते हैं कितना बढ़िया आया। इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे पराठे बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सारे पराठे बनके बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो अचार के साथ खाए, चटनी के साथ खाए, मैं इसे दही के साथ खाऊंगी। आप देख सकते हैं और मैं इसे आपको करीब से दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना है। आप देख सकते हैं ये मेरे सारे पराठे को ज़बरदस्त। अब मैं इसका अंदर का टेक्सचर दिखा रही थी, ये देखें आप देख सकते हैं। आप इसे खाएं और बताएं और कमेंट करें, लाइक करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो हमारे सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।